अच्छा ये बताओ, साल में 365 दिन होते हैं, तो सिर्फ इन दिनों ही क्यों खुद को देशभक्त कहलवाना है? उतने में पीछे से कोई कहता है, दिल से काम करे जमाना गुजर गया, और एक ये जमाना है जो दिखावे पर मर मिट गया। पता है क्या, वो सुरवीर थे जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जान लगा दी। देश के प्रति मान सम्मान के लिए वो मर मिटे, वो अपने देश के लिए लड़ते रहे, अपनों के लिए लड़ते रहे, और इस मतलब ही दुनिया के लोग मतलब के बलबूते पर चलते रहे। अच्छा ये बताओ, आप कभी खुद के लिए लड़े हो? आज तक हम अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ पाए, जो कि वो लड़ाई देश के लिए नहीं, अपनी लड़ाई है, अपनों के लिए लड़ाई है, अपनी जिंदगी के लिए लड़ाई है। उस लड़ाई को लड़ते लड़ते, उन मुश्किलियों का सामना करते करते हम थक जाते हैं, जिंदगी से हार मान लेते हैं। तो सोचो वो लोग सरहद पर अपना पूरा जीवन कैसे बिताते होंगे। वो देशभक्त थे जिन्होंने देश के लिए सलाखों के पीछे सालों गुजारे और देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद होकर अमर हो गए। और एक हम है कि खुद के लिए और अपने परिवार के लिए कुछ नहीं करते, बस पूरे दिन बैठे रहते हैं। अब वक्त आ गया है, जितना सोना था, जितने सपने देखने थे देख लिए, अब आंख खुल गई है, तो क्यों ना थोड़ा सा आलस दूर करें और कुछ काम करें। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए रील्स नहीं आएंगे सपने पूरे करने के लिए, कोई हमें बताने नहीं आएगा, हमें खुद ही आगे बढ़ना होगा और एक देशभक्ति का कर्तव्य भी खुद ही निभाते जाना होगा। ये ज़रूरी नहीं कि आपको देशभक्ति निभानी है तो सरहद पर जाना पड़ेगा। तिरंगे का मान सम्मान सिर्फ देश के जवानों के हाथ में नहीं, हम देशवासियों के हाथ में भी है। अगर आपको किसी भी जगह पर हमारा तिरंगा गिरा हुआ दिखाई दे और आप उसे उठाते हो, तो वो एक देशभक्ति ही तो है। हमारे सामने किसी इंसान के साथ कोई गलत चीज़ हो रही है, किसी इंसान के साथ बुरा बर्ताव हो रहा है, और उस बुरे बर्ताव के लिए अगर आप आवाज़ उठाते हो, उसके खिलाफ कुछ बोलते हो, तो वो भी एक देशभक्ति ही तो है। एक देशभक्त कहता है, मैं साल में 2 दिन छुट्टी मनाता हूँ, किस्तों में देशभक्ति निभाता हूँ। जब इंडिया मैच जीते तब त्योहार मनाता हूँ, खिलाड़ियों के देवता बना मंदिर बनवाता हूँ। व्हाट्सएप के फॉरवर्ड में जय हिंद लिखता हूँ, पर घूमने के लिए विदेश जाता हूँ। मैं साल में 2 दिन छुट्टी मनाता हूँ, किस्तों में देशभक्ति निभाता हूँ। ट्विटर में अपने ही लोगों से लड़ाई करता हूँ, आमने सामने की लड़ाई में एक्चुअली इंडिया की साइड हूँ वो मैं भूल जाता हूँ। मैं वैक्सीन की कतार में हूँ, मैं रफाइल की हुंकार में हूँ, मैं गूगल्स के दफ्तर में हूँ, सिंघू बॉर्डर पर हूँ। समंदर के नीचे ऑप्टिकल फाइबर में लाया, मंगलयान पर तिरंगा मैंने लहराया, पर फिर भी साल में 2 दिन छुट्टी मनाता हूँ, किस्तों में देशभक्ति निभाता हूँ। सच्चा प्रेम स्वतंत्रता होता है, अधिकार का दावा नहीं करता। कभी कभार सवाल करता हूँ खुद से, इस तिरंगे का कर्ज कैसे चुकाऊँ, इस तिरंगे का कर्ज कैसे चुकाऊँ, एक भारतीय होने का फर्ज कैसे निभाऊँ, एक भारतीय होने का फर्ज कैसे निभाऊँ। उन सभी सुरवीरों और देश के हीरो हमें कहते रहे, उन सभी सुरवीरों और देश के हीरो हमें कहते रहे, ए मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए सो दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ये आखिरी 2 लाइन मेरी इंडियन आर्मी के लिए, जो हमारी रक्षा करते करते जान दे देते हैं। तुझ पे वार ना 100 वारी जान मैं, तुझ पे वार ना 100 वारी जान मैं, तेरे कुर्बान मेरी माँ, तेरे कुर्बान मेरी माँ। हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। Stay tuned and keep signing with Phone Jogi Patil Krishna.